कोई पूछे मृत्यु की तैयारी कैसे की जा सकती है, बोले एक ही तरीका है, कभी भी मृत्यु आए उससे पहले ही भगवान का नाम साथ में लेकर के रखिए। माथे पर चंदन रहे, गले में माला रहे, हाथ में जप की माला रहे, तो कभी भी आपको एक हृदय में शक्ति, एक हृदय में ताकत बनी रहती है। ये जो माला है, कोई भी व्यक्ति जो दीक्षित होता है अपने गुरुदेव से, अपने हाथ में माला रखता है, तो कई लोग इस पर भी थोड़ा तर्क कर देते, अरे कई बार हम भी देखते क्या हमारे साथ भी होता, माला हाथ में रखते हैं और शायद करें ना, कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, हाथ में माला है, अभी हो तो नहीं रही, तो फिर माला को हाथ में रखने की क्या आवश्यकता है। बोले माला और गले का, ये गले की कंठी और माथे का चंदन, ये हमेशा इसलिए माथे पर रखना चाहिए कि कब काल आ जाए पता नहीं, और काल आए और तुम्हारे माथे पर चंदन और हाथ में माला देखे तो प्रणाम करके वहां से वापस चला जाए। मृत्यु का मतलब काल नहीं, अर्थात जो आपने गलत कर्म किए हैं उसके लिए जब यम के दूत पकड़ने के लिए, खींचने के लिए आते हैं। ऐसा एक उदाहरण है दक्षिण का, दक्षिण प्रांत में भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति नाटक करता था, तो नाटक में आज उसे नरसी मेहता की भूमिका निभाने को मिली। वो गया था नाटक करके, घर वापस आ रहा था, रात हो गई थी इसलिए जल्दी जल्दी में कपड़े बदलना, सोचा कि घर ही जाके बदल लूं, उन्हीं नरसी मेहता के कपड़े में जाने लगा, तो उसको लगा कि अंधेरी रात में पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, आगे बढ़ा फिर लगा कोई पीछा कर रहा है, बार बार जब उसे लगा तो उसने क्रोध में आके कहा, कौन है तू, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। तो सामने आया कौन, काल। पूछा कौन है तू, मैं काल हूं, किस लिए आया है, तुमको ले जाने आयो, फिर लेके क्यों नहीं जाता, लेकर के जा। काल बोला, महाराज क्या बताऊं, आया तो लेने ही हूं, लेकिन तूने ये जो कपड़े पहने ना जिस महात्मा के, उस महात्मा को मेरी भी हिम्मत नहीं कि मैं उसको स्पर्श कर सकूं, उस काल की भी हिम्मत नहीं कि किसी महापुरुष को, ध्रुव जी जैसे महात्मा काल के मस्तिष्क पर चरण रख के गए। तो ये माला, ये प्रभु का नाम, ये माथे का चंदन आपको नकारात्मक चीजों से बचाता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि हर समय तैयारी रखिए, कभी भी मृत्यु आए तैयार रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, ताकि आपका और हमारा जो बैंक बैलेंस है उसका अकाउंट जो है वो बढ़ता रहे, उसकी धनराशि बढ़ती रहे। और हमारे श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया है कि योगी नाम निरप निर्णितम हरेर नामानु कीर्तनम, भगवान का नाम व्यक्ति जो जाप करेगा, जो संकीर्तन करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में स्वतः ही भगवान की कृपा उसको महसूस होने लगेगी। अगर वो उस नाम को हृदय से जाप कर रहा है, अगर उस नाम का उद्देश्य उसका भगवत प्राप्ति ही है,